The textbook of mathematics, grade 9. Unit 6, linear equation and inequalities. Exercise number 6.2, find the solution set of the following equation. First question है 2x plus 1 under mod. Mod है is equals to 6. सबसे पहले हम इस mod को remove करेंगे. अच्छा, सबसे पहला ये होता है कि आपने इस मॉड को हटाना होता है और प्लस माइनस लगाना होता है. यानी ये चीज़, इसके साथ मेरे पास कोई नंबर मौजूद, कोई टर्म मौजूद नहीं है. तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगी 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ प्लस और माइनस लगा देंगे, ये मॉड हटेगा और ये प्लस माइनस. अब इसका मतलब ये है कि मुझे इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना. यानी यहाँ आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 और ये माइनस के साथ इधर आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6. ये रहा 2x एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे भी, तो 6 और 2x तो अपनी जगह रहा. ये प्लस 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1. 2x इज इक्वल्स टू 6 में से 1 माइनस किया 5, और x इज इक्वल्स टू 5 भी अपनी जगह रहा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके हो गया डिवाइड. अब यहाँ पे आते हैं 2x एज इट इज़ है, माइनस 6 भी एज इट इज़, प्लस 1 वहाँ जाके होगा माइनस 1. 2x इज इक्वल्स टू साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 7, 7 अपॉन, अच्छा 7 रहेगा भी. अब हम नीचे स्टेप पे आएंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 7 एज इट इज़ है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड. अब इस तरह अगर हम आते हैं तो सॉल्यूशन सेट हमारा आता है 5 अपॉन 2, ये होगा 5 अपॉन 2 और ये हो गया माइनस 7 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट. ये फर्स्ट का आंसर. अब ये क्वेश्चन 2 है, इसमें भी हम मॉड रिमूव करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू मॉड रिमूव प्लस माइनस, इसको डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं, मॉड भी, जो आपका दिल चाहे. 5x अपनी जगह है, ठीक है, और ये माइनस 12 भी अपनी जगह है, इज इक्वल्स टू एक मरतबा 7 प्लस में और एक मरतबा आ जाएगा ये माइनस में. यानी 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 7. 5x वेरिएबल अपना अपनी जगह रहा, ये माइनस 12 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस 12. 5x एज इट इज इक्वल्स टू 19. एक स्टेप और आगे जाएंगे, 5 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 19 अपॉन 5. अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं 5x इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपनी जगह है, माइनस 12 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 12. 5x इज इक्वल्स टू साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की होगा क्या, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 माइनस किए 5. 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के हो गया डिवाइड, कैंसिल हुआ, आंसर आया हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस 1. अब हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 5 माइनस 1. अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे भी हम 2x और 7 अपनी जगह रहने देंगे, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12. ये चीज़ें हमारे पास. अब अगर हम इसको यहाँ देखते हैं, हमारे पास ये क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अपनी जगह है 12, 7 ज़ार 84. अब हम इसको करेंगे दो हिस्सों में डिवाइड, प्लस माइनस आ गया है, 2x इज इक्वल्स टू 84, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 84. एक्स इज इक्वल्स टू 84 अपनी जगह रहा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ के डिवाइड, 2 वन ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, एक्स इज इक्वल्स टू 42. अब इसी तरह यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू माइनस 84 अपनी जगह रहा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ क्या हो गया डिवाइड, 2 वन ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 42. इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट निकल के आया 42 माइनस 42.
अच्छा यहाँ पे भी अभी हम इसको रिमूव करते हैं डिटर्मिनेंट्स को, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एट, ये देखें ये मौजूद है। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में करने से पहले, जैसे कि हमने यहाँ क्वेश्चन में किया था, नीचे वाला नंबर डिवाइड नंबर को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, देखें सेम एज है। अब यहाँ है टू एक्स प्लस वन एज इट इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एट, थ्री डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके हो गया मल्टीप्लाई, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एट, थ्री इज़ ट्वेंटी फोर, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर, टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर, टू एक्स अपनी जगह है ट्वेंटी फोर भी, और ये प्लस वन वहाँ जाके माइनस वन, टू एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री, एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री, और टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ पे आते हैं टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फोर अपनी जगह है, प्लस वन वहाँ जाके हो गया माइनस वन, टू एक्स इज इक्वल्स टू साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, होगा क्या माइनस माइनस प्लस, ट्वेंटी फोर एंड वन ट्वेंटी फाइव, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी फाइव अपनी जगह रहा, और टू यहाँ डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के, क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया वो आया है ट्वेंटी थ्री अपॉन टू माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू। अच्छा अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट्स के बाद भी हमें एक टर्म लिखी हुई है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिटर्मिनेंट्स को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये माइनस एट को उधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी फोर अपनी जगह है माइनस एट वहाँ जाके, प्लस एट, फाइव एक्स माइनस थ्री अंडर मॉड इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। अब यहाँ पे आ गया फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्वेल्व, दो हिस्सों में डिवाइड किया प्लस माइनस से, फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ट्वेल्व, फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व, फाइव एक्स एज इट इज, ट्वेल्व एज इट इज, माइनस थ्री वहाँ जाके प्लस थ्री, फाइव एक्स इज इक्वल्स टू एड करेंगे फिफ्टीन, एक्स इज इक्वल्स टू फिफ्टीन अपॉन फाइव, और कैंसिलेशन के बाद फाइव थ्री ज़र फिफ्टीन, ये देखें एक्स इज इक्वल्स टू थ्री। अब यहाँ आए फाइव एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एज इट इज, माइनस थ्री वहाँ जाके प्लस थ्री, फाइव एक्स एज इट इज, साइन किसकी आएगी बड़े नंबर की, होगा क्या प्लस माइनस माइनस, ट्वेल्व में से थ्री माइनस करेंगे क्या आएगा नाइन, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस नाइन, और फाइव यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है वहाँ जाके हो गया डिवाइड। अब हमारे पास जो आंसर आएगा सॉल्यूशन सेट का वो आया थ्री कॉमा और क्या आया नाइन अपॉन फाइव माइनस नाइन अपॉन फाइव। ओके अच्छा अब क्वेश्चन सिक्स में देखें, सबसे पहले हमारे पास फाइव एक्स प्लस वन अपॉन सेवन एज इट इज़, यहाँ पे हमारा मॉड भी एज इट इज़ है जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे था, इसी तरह माइनस थ्री वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस थ्री, फाइव एक्स प्लस वन अपॉन सेवन अंडर मॉड इज इक्वल्स टू एट एंड थ्री इलेवन। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम मॉड रिमूव करेंगे, ये देखें इज इक्वल्स टू प्लस माइनस इलेवन, फाइव एक्स प्लस वन अपॉन सेवन इज इक्वल्स टू इलेवन, फाइव एक्स प्लस वन अपॉन सेवन इज इक्वल्स टू माइनस इलेवन, एक दफ़ा प्लस और एक मरतबा माइनस। अब यहाँ पे फाइव एक्स प्लस वन एज इट इज़ है इज इक्वल्स टू इलेवन भी एज इट इज़, सेवन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा वहाँ जाके मल्टीप्लाई, फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू इलेवन सेवन ज़ार सेवेंटी सेवन, फाइव एक्स इज इक्वल्स टू सेवेंटी सेवन माइनस वन, ये प्लस वन वहाँ जाके क्या हो गया माइनस वन, फाइव एक्स इज इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस करेंगे क्या आएगा सेवेंटी सिक्स। अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ये यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये एक्स की वैल्यू निकाला है पॉजिटिव नंबर में इसके पॉजिटिव के थ्रू। अब हम नेगेटिव की तरफ आते हैं, फाइव एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस इलेवन अपनी जगह है, और
सेवन डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज 11 7s are 77, 5x इज इक्वल्स टू माइनस 77 एज इट इज, प्लस 1 वहाँ जाके माइनस 1, 5x इज इक्वल्स टू साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, होगा क्या माइनस माइनस प्लस यानी 78, x इज इक्वल्स टू माइनस 78/5, दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ हमने मेंशन किया सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 76/5 माइनस 78/5। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, 5x प्लस 1/7 एज इट इज अंडर मॉड 8 भी एज इट इज, माइनस 3 में जाके प्लस 3, 5x प्लस 1/7 अंडर मॉड 8 and 3 11। सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, हम क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन 7 है, सबसे पहले हम 2x प्लस 3 एज इट इज़ लिखेंगे अपॉन 4 के साथ, मॉड भी अपनी जगह है, 7 भी, प्लस 2 वहाँ जाके हो गया माइनस 2, 2x प्लस 3 अपॉन 4 अंडर मॉड इज इक्वल्स टू 5। अच्छा जी, अब इसके बाद ये हम मॉड हटाएंगे तो क्या लगाएंगे भाई जी, बताइए यहाँ क्या आएगा इज इक्वल टू के बाद, 5 के साथ कोई साइन नहीं आएगी क्या, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस। यहाँ देखिए 2x प्लस 3 अपॉन 4 एज इट इज़ है इज इक्वल्स टू 5 भी, ये प्लस के साथ आ गया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के साथ। अब देखिए यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ज़ोर से बोल रहे हैं कोई मसला नहीं। अच्छा ये भी साथ साथ कर लेते हैं, 2x प्लस 3 भी अपनी जगह है, माइनस 5 भी एज इट इज़, और 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई 2x एज इट इज़ प्लस 3 भी एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 4 20। इसी तरह 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5 4 20 माइनस 20, 2x इज इक्वल्स टू 20 तो अपनी जगह है, प्लस 3 वहाँ जाके हो गया माइनस 3। इसी तरह यहाँ पे है 2x इज इक्वल्स टू माइनस 20 और प्लस 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 3, 2x इज इक्वल्स टू साइन किसकी आई, बड़े नंबर की, होगा क्या माइनस माइनस प्लस 23। इसी तरह यहाँ पे आएगा मेरे पास 2x इज इक्वल्स टू 17। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास, देखें अभी ये मौजूद है, x एज इट इज़ रहा, 17 भी एज इट इज़ है अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 23 अपॉन 2। अच्छा अब जैसे ये मैं सॉल्यूशन सेट वाली लाइन है ना, ये जैसे मैंने ये लिखी है, इसकी स्पेस नहीं है, और खैर ये अब आप खुद लिख सकते हैं, समझ आ गया होगा यकीनन। ये है 3x + 6/12 एज इट इज अंडर मॉड इज इक्वल्स टू 3 - 1, प्लस 1 वहाँ जाके माइनस 1, 3x + 6/12 अंडर मॉड इज इक्वल्स टू 2। अब हम मॉड को रिमूव करेंगे और प्लस और माइनस की साइन लगा देंगे। भाई मैं इसी तरह फास्टली ही बनाती हूँ वीडियोस ताकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो और आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, आई थिंक सो इट्स ओके। अच्छा सबसे पहले तो ये फिगर लिख लेते हैं 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। अब ये 3x एज इट इज प्लस 6 भी इज इक्वल टू 2 भी, 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2, 12 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 24, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 24, 3x इज इक्वल टू 24 एज इट इज प्लस 6, नो प्लस 6 वहाँ जाके माइनस 6। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस 6 वहाँ जाके 3x इज इक्वल टू माइनस कीजिए
अच्छा जी, इसी तरह अब यहाँ पे भी करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस, जी नहीं साइन देखें, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की होगा क्या प्लस, x इज इक्वल्स टू 18 अपनी जगह है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके, डिवाइड, इसी तरह यहाँ पे भी x अपनी जगह है माइनस 30 भी, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके, डिवाइड, 3 1 3 3 6 18, एक्स इज इक्वल्स टू 6, 3 1 3 3 10 30, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10, दोनों चीज़ें आ गई, बता देंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 6 एंड माइनस 10, नॉट 10, माइनस 10। अच्छा यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन की पोजीशन सिर्फ चेंज की, जो राइट पे था उसको लेफ्ट कर दिया, जो लेफ्ट पे था उसको राइट, तो हम ये कर लेते हैं कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम उसको वही कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू के दाएं बाएं में हमने सिर्फ इसको रेसिप्रोकल एक तरह से समझने कर लिए, रेसिप्रोकल वैसे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चेंज है, इसको ये समझने के हमने लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर लिया अपनी आसानी के लिए। अच्छा अब आते हैं 7x + 8 एज इट इज़ रहेगा, और जब मॉड रिमूव हुआ तो प्लस माइनस के साथ 3/2। अब इसको हम दो हिस्सों में लेंगे, 7x + 8 इज इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 7x + 8 इज इक्वल्स टू -3/2। अच्छा अब इसमें हम लिखेंगे 7x इज इक्वल्स टू 3/2 एज इट इज़, +8 वहाँ जाके हो जाएगा -8। अच्छा अभी हम ये सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको हम अपॉन 1 लगाएंगे, देखें बीच में प्लस माइनस हो तो हम क्या लेते हैं LCM, अगर 2 और 1 का LCM लेंगे तो LCM आएगा 2, 2 1 ज़ा 2, ऊपर से आ गया 3, -1, 2 ज़ा 2, ऊपर से आ जाएगा 8, अंडर ब्रैकेट ऊपर के दोनों नंबर 3 एंड 8। अब इसमें आते हैं 7x इज इक्वल्स टू 1 3 ज़ा 3, -2 8 ज़ा 16 अपॉन 2। थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन है लेकिन है ईजीएस्ट, 7x इज इक्वल्स टू इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -13/2। अब देखिए x इज इक्वल्स टू -13/2 तो एज इट इज़ है, 7 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये देखें डिवाइड। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगी, x इज इक्वल्स टू -13 and 2 7 ज़ार 14। चलें अब आते हैं अब हम राइट साइड पर, राइट साइड में भी सेम वही प्रोसीजर है लेकिन माइनस की साइन है, यहाँ आया -3/2, ये हम दोबारा से लिखते हैं, 7x इज इक्वल्स टू -3/2, +8 वहाँ जाके -8/1 लगाया और LCM करेंगे हम, इज इक्वल्स टू माइनस अपनी जगह है और ये 2 और 1 का LCM 2, 2 1 ज़ा 2, ब्रैकेट 1 2 ज़ा 2, ब्रैकेट और ब्रैकेट में ऊपर क्या आ गया 3 और 8, 7x इज इक्वल्स टू 1 3 ज़ा 3, -2 8 ज़ा 16 अपॉन 2, 7x इज इक्वल्स टू -13/2। अब यहाँ पे हम 7 यहाँ रिमूव करें, x इज इक्वल्स टू -13/2 लिखेंगे, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके, डिवाइड, x इज इक्वल्स टू -13/2 7 ज़ार 14। नहीं भाई ये माइनस कहाँ चला गया, ये भी तो माइनस है, ये 19 होगा, 1 9 19, ये 19 आ रहा है भाई। अच्छा जी इसका मतलब ये भी 19 भी हटाई दो, -19/14। अब चाहें तो होल नंबर में कर लें वरना इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -13/14 और यहाँ पे आ जाएगा -19/14 और ये आपका आ गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब ये देखें यहाँ पे भी आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, इसको हम करते हैं सबसे पहले 2x-3/5 एज इट इज़, मॉड भी एज इट इज़,
फाइव भी एज इट इज़, माइनस ट्वेल्व वहाँ जाके प्लस ट्वेल्व। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मॉड रहा, इन दोनों को ऐड किया तो सेवनटीन। अब हम मॉड रिमूव करेंगे, ये रहा एज इट इज़ नंबर, मॉड रिमूव प्लस माइनस के साथ सेवनटीन। टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव एज इट इज़ इक्वल्स टू प्लस के साथ सेवनटीन। इसी तरह यहाँ टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फाइव एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस सेवनटीन। अब दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वैसे हम चाहते तो हमने जैसे पहले भी किया था ना कि फाइव को उधर ले जाके कर लेते सॉल्व, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन छोड़ दें यहीं कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है। अच्छा जी, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू सेवनटीन अपनी जगह है, फाइव डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके, मल्टीप्लाई इसी तरह इसको भी साथ साथ करते हैं, टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस सेवनटीन और ब्रैकेट में आ गया फाइव, डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके, मल्टीप्लाई। अच्छा जी, अब मुझे बताइए सेवनटीन फाइव ज़ार 85। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पे है माइनस थ्री इज इक्वल्स टू साइन तो माइनस की आएगी, लेकिन होगा क्या, ये मल्टीप्लाई 75000। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, टू एक्स इज इक्वल्स टू 85 माइनस थ्री वहाँ जाके प्लस थ्री। अच्छा जी, टू एक्स इज इक्वल्स टू 88। गुड, एक्स इज इक्वल 88 अपॉन टू, मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड, टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार एट, टू फोर ज़ार एट, एक्स इज इक्वल्स टू 44। अब यहाँ पे आते हैं हम, टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 85 माइनस थ्री वहाँ जाके प्लस थ्री। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, टू इज इक्वल 82 माइनस 82, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 82 अपनी जगह रहा, टू मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड, एक्स इज इक्वल्स टू 41। अब हम आते हैं सॉल्यूशन सेट की तरफ, और ये हमारा आ गया आंसर 44 कॉमा माइनस 41। वेरी गुड।